Thank you. काम हो गया। एक मिनट, मैंने जो तैयार करने के लिए बोला था वो सब रेडी है? हाँ हाँ सब तैयार है, आप आइए। चलिए। देखो बाबा, जो करना है जल्दी करो, मेरा पति कभी भी होश में आ सकता है। बाकी ये कोई छोटी समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है और ऐसे कामों में वक्त तो लगता ही है। देखो बाबा, जो करना है फटाफट करो। पर बहुत बड़ी चुड़ैल का साया है जो तुम्हें प्रेग्नेंट होने से रोक रही है। एक काम करो, जो मैं तुम्हें बोलता हूं वो तुम्हें करना होगा। क्या करना होगा बताओ जल्दी। ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने कपड़े उतारने होंगे। छी, कैसी घटिया बातें कर रहे हो बाबा, तुम्हें शर्म भी आ रही है? ये कैसा घटिया काम करने के लिए बोल रहे हो मुझे? अगर तुम्हें अपने पति का प्यार और बच्चा चाहिए तुम्हें ये सब करना होगा, नहीं तो मैं जाता हूँ। ठीक है बाबा, मैं कपड़े तो नहीं उतार सकती, लेकिन आपको कुछ ऐसे ही करना है तो कर लीजिए। ठीक है। क्या? मुझे टोकना बंद करो, वरना ये क्रिया पूरी नहीं होगी, अधूरी रह जाएगी और तुम कभी जिंदगी में मां नहीं बन सकती। अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं जाता हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, तुम्हें जो करना है जल्दी करो, अगर मेरा पति जग गया ना तो तुम्हें नहीं पता क्या हो सकता है। तुम्हें बच्चा चाहिए ना, तुम्हें तो बच्चा मैं दूंगा। आज बहुत अच्छी चीज हाथ लगी है। अच्छा, तो इस तरह से तू भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाता है? तुझे क्या लगा, हर बार की तरह इस बार भी तूने भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाया है? ये सब क्या हो रहा है, और तुम लोग कौन हो? वही जो इतने दिनों से तू दूसरों के साथ में करता है, वही आज तेरे साथ में हो रहा है। हम दोनों स्पेशल फोर्स हैं और तुम जैसे हरामियों को पकड़ने के लिए बने हैं। जी तो कर रहा तुम्हें जान से मार दूं,
लेकिन कानून की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मैंने तो तुमको पति को बेहोश करने की दवाई दी थी, लेकिन तुम्हारा पति होश में कैसे आ गया? मैं बताता हूँ तुझे, क्योंकि हम दोनों पहले से ही मिले हुए हैं और मुझे पहले से ही पता था कि चाय में बेहोशी की दवाई है, और मैंने चाय सिर्फ पीने की एक्टिंग की थी, चाय मैंने पी ही नहीं थी। अब इसे जल्दी से थाने लेकर के चलो। इसको ऐसे थाने नहीं लेके जाएंगे, इसको पूरी गली में घसीटते हुए थाने लेकर जाएंगे, ताकि इसको पता चले कोई इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है तो कैसा लगता है। हाँ, ये सही कहा तुमने।